हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बरियन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूजी कोर्सेज के लिए, ओके फ्रेंड्स, यूजी कोर्सेज के अंदर चार ही कोर्स के लिए, बीबीए, बीबीए आईबी, बीबीए सीए और बीएमएस, ओके। तो ये सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगी यूजी कोर्सेज के लिए। तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म किस तरह से फ़िलअप करना है ये भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपकी स्कैन की हुई, उसके बाद टेंथ क्लास की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट जब भी आएंगी, जब अपलोड करना है आपको ऑनलाइन कॉपी, उसके बाद जो है तो आपको यूआईडी, आधार कार्ड, मतलब उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट कैटेगरी में आते हैं आप रिज़र्व कैटेगरी में, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना है। डिफेंस, आर्मी, स्पोर्ट पर्सन है तो उसके लिए अलग से, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है तो ये 15 जुलाई है, ओके, जो 23 जून से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी पता ही नहीं है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जानकारी, और यहाँ पर आप ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये देख सकते हैं। 60% वेटेज जो है तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया जाएगा, और 20% आपके 12th के मार्क्स को, और 20% वेटेज आपके 10th के मार्क्स को, ओके। तो अब हम फीस स्ट्रक्चर और सीट्स देख लेते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ग्रांट मतलब जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं वो सीट्स, और नॉन ग्रांट मतलब जो प्राइवेटली होते हैं, सेम कॉलेज होते हैं, सेम फैसिलिटीज़ होते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप ग्रांट की जो 11th और 12th क्लास की फ़ीस है ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो 11th क्लास की फ़ीस है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए 1000 है, और 12th क्लास की फ़ीस 3100 ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र के, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए ये फ़ीस होंगी, और जो नॉन ग्रांट है उनके लिए जो है तो 17000 और 18000 रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद यहाँ पर बीकॉम की फ़ीस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो कैटेगरीज दी गई है ये आपको देखना है, सार्क स्टूडेंट, NRI, रिज़र्व कैटेगरी, आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये यहाँ पर सभी देख सकते हैं आप। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए 9000, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ महाराष्ट्र 19000, रिजर्व कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए 8000, और NRI की स्टूडेंट्स के लिए 44000, और यहाँ पर सार्क स्टूडेंट्स के लिए ये तो 26000। सार्क मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ जो आते हैं सार्क के अंदर, वो आप देख सकते हैं, ओके, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ऐसे कुछ कंट्रीज़ आते हैं 7, वो उनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे आप। और यहाँ पर ये जो अभी कोर्सेज की नोटिफिकेशन आई है उन कोर्सेज की फ़ीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 55000 फर्स्ट ईयर के लिए सभी, यहाँ पर बीबीए आईबी और बीबीए के लिए, उसके बाद बीबीए सीए के लिए 55000, और बीएमएस के लिए जो है तो 52000। तो यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सीट्स, सॉरी फीस स्ट्रक्चर। अब हम सीट्स देखेंगे किस कोर्स के लिए कितने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पर सीट्स देख सकते हैं, बीकॉम के लिए 600 सीट्स है, और बीबीए के लिए 160 सीट्स है, बीबीए आईबी के लिए 80 है, और बीबीए सीए के लिए 80 सीट्स है, और यहां बीएमएस के 60 सीट्स है ओनली, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ये सभी सीट्स देख सकते हैं। और 11th 12th की अगर बात की जाए तो उनके भी 600 सीट्स है 11th और 12th की, और एमकॉम के अभी हम देखेंगे जब भी उसकी नोटिफिकेशन आएंगी उसकी पूरी जानकारी, और किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको नीचे कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर फॉर्म आपको किस तरह से फ़िलअप करने की प्रोसेस देखनी है तो, ओके फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे की अपडेट्स के लिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।